करेगी। मैं हमेशा उठाती हूँ उसे और आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, मैं उठा कर आती हूँ उसे। इतना बोलकर जेन ताई के रूम तक जाती है और वो नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, इसलिए वो डोर ओपन करके अंदर चली जाती है। वो आगे का व्यू देखकर शॉक हो गई थी। आंटी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आई रियली लव ईच अदर एंड आई एम सॉरी मैंने आप लोगों को नहीं बताया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आई डोंट नो मैं कैसा रिएक्ट करूँ ये सब जानने के बाद, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी। देखो बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो और ताया भी बहुत बड़ी है, तो मैं तुम्हारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं करोगी दीदी? जीजू भी तो आपसे छोटे है ना, लेकिन फिर भी आप दोनों ने लव मैरिज की थी, तब तो आपको किसी ने नहीं रोका, और अब आप इन दोनों को क्यों रोक रही है? हाँ तो जी हो, तुम्हें पता है ना कि हम में से 2-3 साल का फर्क था, लेकिन इसमें तो पूरा 7 साल का फर्क है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दीदी ये तो आप भी जानती है, बिकॉज आप भी प्यार का शिकार हुई है, तो फिर आप क्यों बोल रही है? और प्यार उम्र देखकर नहीं होता है, वो बस किसी से भी हो जाता है, और यही इन दोनों के साथ हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों को अलग ना करें, प्लीज दी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझेंगे तो फिर आर्यन जीजू को समझाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए आंटी, अगर आप चाहती हैं कि मैं ताई से दूर रहूं, तो मैं दूर रह जाऊंगा, बिकॉज मैं आपको अपनी मॉम जैसा मानता हूं, और इन दिनों आप लोगों ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना रखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझसे नाराज ना हो। अगर आप चाहेंगी तो मैं ताई से दूर हो जाऊंगा। मॉम अब आपका फैसला आखिरी फैसला होगा, अगर आप चाहती हैं कि मैं जंगकुक से रिश्ता तोड़ दूं या फिर उसे दूर हो जाऊं, तो मैं हो जाऊंगी मॉम, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मेरे लिए तुम्हारी खुशी। तो देखो अगर तुम जंगकुक के साथ खुश हो तो ठीक है, मुझे इस रिश्ते से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और बात रही आर्यन की तो मैं उन्हें समझा लूंगी। क्या सच में मॉम? थैंक यू सो मच मॉम, आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच, आई लव यू। हां हां बस बस, और हां एक शर्त है मेरी, तो ही मैं तुम लोगों की बात मानूंगी। देखो जंगकुक जब तक 20 साल का नहीं होता शादी नहीं होगी। क्या? ठीक है कोई बात नहीं आंटी, अब आप जो कहेंगी मैं वही मानूंगा, आपने मेरे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। आपकी इस छोटी सी शर्त को मैं मानता हूँ, मैं जब तक 20 साल का नहीं होता मैं ताई से शादी नहीं करूँगा, अब ठीक है? हाँ अब हुई ना बात, ठीक है अब जल्दी से तुम लोग नीचे आ जाओ, नीचे नाश्ता लग गया है। क्या नाश्ता लग गया? चलो दीदी मुझे दे दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ भुक्कर तुझे तो भूख लगी गई होगी, चल देती हूँ। ओके दीदू चलो, और हाँ तुम लोग ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीदू जीजू को हैंडल करना जानती है, तो उन्हें कैसे मनाना है ये दीदी जान लेंगी। ओके तो तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चलो दीदी। फिर उसके बाद जे होप और जेन वहाँ से चले जाते हैं। हंस क्या रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मॉम ने हमें उस हाल में देखा होगा, इनफैक्ट हम लोगों ने कटल किया हुआ था, उन्हें कितना अजीब लगा होगा। अरे अजीब लगने वाली क्या बात है, हम लोगों ने बस कटल ही किया था ना, आपने कपड़े रिमूव थोड़ी ना किए थे। शट अप शैमलेस कहके, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, उसके बाद तुम भी फ्रेश होकर नीचे आ जाना। अरे क्या तुम भी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एक काम करते हैं हम लोग साथ में फ्रेश हो जाते हैं। थप्पड़ खाना चाहती हूँ मेरे हाथ से। अब ऐसे हंसना बंद करो, मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, ठीक है? इतना बोलकर टायर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार।
घर में इतने सारे लोग हैं कि हमें प्राइवेसी मिलती नहीं है। जल्दी से अपना सामान पैक करो और आज ही हम लोग हमारे असली घर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें प्राइवेसी मिलने नहीं वाली है। ऐसे ही हमें बीच में डिस्टर्ब करते रहेंगे। योगी योगी शांत हो जाओ, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? और वैसे भी हमें आज घर जाना ही है तो हम चले जाएंगे, इतना क्यों भड़क रहे हो? देखो तुम थोड़ी देर और वेट कर लो, बिकॉज यहाँ जब तक रहोगी तो कोई भी प्राइवेसी नहीं देने वाला। हाँ वो तो है, अब डोर ओपन करो, देखो कौन है, किसने हमें डिस्टर्ब किया। फिर उसके बाद जब मैंने डोर ओपन करती है तो वो देखती है आगे जंगो खड़ा था। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग भाभी। वो एक्चुअली क्या है ना, आंटी बुला रही थी, कह रही थी कि आप लोगों को बुला लाऊं, ब्रेकफास्ट कर लें। चलिए ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। ओके भाभी जल्दी आइएगा, बिकॉज सब लोग आपका नीचे वेट कर रहे हैं। ठीक है बाय। अरे बैठे क्या हो, अब जाओ भी, फ्रेश भी हो जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ, इतना क्यों भड़क रही हो? योगी रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैंने तुमसे बोला नहीं था कि शादी के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी, लेकिन इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हें दे नहीं पाई, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें आज दे दूँ। क्या? ओके मैं तुम्हारा वेट करूंगा। वैसे कहाँ है मुझे, या फिर मुझे यहीं पर दोगी? नहीं यहाँ नहीं, जो पास में जो कैफे है ना उसके पीछे। तुम्हारा सरप्राइज पाने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तो ये कैफे क्या चीज है? एंड थैंक यू सो मच, तुमने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया। फिर उसके बाद योगी भी जाता है और फ्रेश हो जाता है, फिर वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे कि मैं इस रिश्ते से ना कर दूँ, समझ गए जंगो? मैं मेरी बात हो रही है, पर मैंने क्या किया? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये है कि मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम और ताई एक दूसरे से प्यार करते हो, क्योंकि जिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, समझा भी दिया है। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि शादी से पहले कुछ भी ऐसा मत करना। समझ गया। क्या? पर ये सब कब हुआ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ताई, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पर सबको सब कुछ पता है लेकिन मुझे नहीं पता है। सॉरी बेटा, वो क्या है ना, इतना हड़बड़ी में सब हुआ ना, इसलिए हम तुम्हें बता नहीं पाए। आज सुबह ही तो दीदी को पता चला है कि ताई और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ वैसे भी ताई की लाइफ है तो उसे डिसाइड करना होगा कि उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। जब वो जंगकुक के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। फिर उसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जिमिन ने योगी को कॉफी शॉप के पीछे बुलाया था, योगी वहाँ पर चला जाता है। जिमिन मैं आ गया, अब बताओ मेरा सरप्राइज कहाँ पर है, मुझे देखना है। हाँ क्यों नहीं दूंगी ना, पहले आंखें बंद करो उसके बाद। क्या आंखें बंद करूँ? ओके ठीक है कर रहा हूँ। ओके जब तक मैं नहीं बोलती तुम अपनी आंखें नहीं खोलोगे। ओके ठीक है, जब तुम बोलोगी तभी खोलूंगा। बार बार ये सोचती थी कि उसे लॉकअप से बाहर निकाल दे, लेकिन वो रुक जाती थी। किसी तरह दो साल
जीत जाते हैं और जंगकुक और ताई की शादी का टाइम आ जाता है बिकॉज जंगकुक 20 साल का हो चुका था और जिन ने जैसा कहा था कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तभी शादी होगी, तो इसीलिए पूरे 2 साल बाद तेकू की शादी हो रही थी। और उधर युंगी की भी सजा पूरी हो गई थी और उसकी जमानत हो गई थी। जिवेन को ये बात पता चली थी, वो बहुत ज्यादा खुश हुई थी। अभी है वही रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। शायद तुम भूल गए जिवेन, बिकॉज तुमने मुझे सजा दिलवाई थी और मैंने अपनी सजा काटी थी, तो अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अब तुम देखो कि तुम सह पाती हो या फिर नहीं। नहीं यूंगी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज यूंगी देखो, प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मुझे बहुत डर लगता है सबसे। यस बेबी, तुम्हें डरना चाहिए बिकॉज मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखो तुम इसको सह पाओगी कि नहीं।
या फिर मैं करूँ। आई होप कि तुम ये पेन सह पाओगी। अभी तुझे से मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ, तो सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो दिल खा के मर जाता है, पानी की चादर तले तुम मेरा जल जाता है। सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही तुम।